नमस्कार दोस्तों दोस्तों यदि आप किसी फोटो में से बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फोटो खींची और उसमें बैकग्राउंड में कोई बिल्डिंग है, कोई झाड़ पेड़ है और आप उस फोटो को आगे कहीं यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि उसमें ये बिल्डिंग ना आए, झाड़ पेड़ नहीं आए, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम पिक्सल लैब ऐप का यूज़ करेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं ऐसा कैसे होगा। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दीजिए, प्लस को दबा के गैलरी में से अपनी फोटो इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ पीछे मेरा घर दिख रहा है, इसको हम रिमूव करते हैं। इसके लिए आप यहाँ टच करिए और उसके बाद थोड़ा साइड में सरका लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको इरेज कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसे हम इनेबल करते हैं। इसमें कुछ पार्शियल हिस्सा मिट जाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं मिटता है। हम टॉलरेंस को बढ़ाते हैं, ये आप देखिए। स्मूथ एजेस को बढ़ाते हैं लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये किसी चीज़ के लिए ठीक से काम करता है लेकिन किसी के लिए नहीं करता है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब हम साइड में इरेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे। दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप इरेजर का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए आप। और इसके बाजू वाला ये जो ऑप्शन है, इससे आप इरेजर को स्मूथ कर सकते हैं। ये आप ऐप में देखिएगा कैसे काम करता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आप ये इसकी ऐसी ट्रेल बना सकते हैं और इसके थ्रू काम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आपको नज़दीक में काम करना हो, जैसे फेस के बिल्कुल पास में काम करना हो, तो यदि उंगली रहेगी तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ ट्रेल में ये जो जगह है, यहाँ पर पकड़ के आप जब आपका ये ऐसे उंगली को फिराएंगे तो आपको मिटाने में आसानी होगी। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप काम करिए। देखिए जैसे आप काम कर रहे हैं और एकदम से मिट गया तो आपको पूरा फिर से वापस से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके काम करें, थोड़ा करें फिर रुक जाएँ, थोड़ा करें फिर रुक जाएँ, उससे ईजी होता है। अभी हमने छोटा कर दिया है साइज़। जब पास में काम करना हो तो साइज़ को छोटा कर दीजिए। इस बटन से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको पास का कितना मिटाना है। अभी ये पूरा हो चुका है, देखिए ये इस तरीके का दिख रहा है। अभी इसमें और काम की ज़रूरत है। अभी ये आपको दिखाने के लिए रॉ काम किया है। अभी इसको और अच्छे से करेंगे तो ये जो वाइट वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ये सब छुप जाएंगे। इस तरीके से आप फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो एडिट करना पसंद है और आप काइन मास्टर वीडियो एडिटर सीखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें 6 वीडियो है। काइन मास्टर एक बहुत बड़ी ऐप है और यदि मैं एक लंबा वीडियो बनाता तो लंबा वीडियो कई बार देखने में बोरिंग हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में बनाया हुआ है। उसमें आप एडिटिंग आसानी से सीख सकते हैं। ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।